Assalamualaikum and hey friends, welcome back to my channel. कैसे सब उम्मीद है अच्छे होंगे. तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. जो अप्पा की तरफ से हमने एक प्रोजेक्ट लिया था ना, ड्राइंग की थी, तो उस पैसों से कुछ मैं लूँगी सामान, कुछ इमोन लेगा क्योंकि हम दोनों ने मिल के काम किया था, तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ खरीदारी होगी. तो मैंने सोच लिया मैं क्या लूँगी. मैं लेने वाली हूँ जो चीज़, चल चल के देख लेंगे क्योंकि वो हो भी सकता है कि ना मिले. और उसके अलावा इमोन क्या रहेगा वो मुझे नहीं पता. तो चलो लेट्स गो. और मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, ये जीन्स ब्लैक जीन्स के साथ ये वाला टॉप्स पहन लिया है. और अभी जल्दी जल्दी से बाहर जाते, काफ़ी गर्मी वर्मी है, जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं. तो तबीयत की अपडेट ये है कि तबीयत अभी तक थोड़ी थोड़ी सी ख़राब है. और इमोन जो है ना उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, उसको भी खांसी लग गई है. तो मेरे से मेरे जर्म्स उसमें ट्रांसफ़र हो गए हैं. बाकी जो है ना मेरी तबीयत अभी तक फुली रिकवर भी नहीं हुई. पर गिफ्ट लेना है तो चलो कुछ ना कुछ खरीद के आते. वैसे हिम्मत नहीं है इतनी बाहर जाने की. बाल जो है उनको इसे खोल के नहीं जा रही हूँ, इसलिए बालों को सोच रही हूँ कि बंद ही कर दूँ, अच्छा रहेगा क्योंकि गर्मी भी है, ऊपर से छोटे छोटे बाल है ना तो उड़ते रहेंगे. तो फिलहाल कुछ ऐसे रिलैक्स होते जाऊंगी. सादिया आ गया, पैसा मिल गया अब्बा से. आज होगा पैसों का बारिश. दो. एक ही बार में जितना पकड़ पाओगे उतना ही आपका है, एक ही बार में. ठीक है, रेडी 1 2 3 गो. पैसा ही पैसा होगा. तो अभी हम लोग आ गए हैं इमोन का गिफ्ट लेने के लिए. सबसे पहले तो देखिए इमोन क्या खरीदता है. और इमोन एज यूजुअल अपने मतलब काम की चीज़ ही खरीद रहा है. वो मेमोरी कार्ड खरीद रहा है इस GoPro 8 के लिए. और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं और सामान लेने के लिए. मौसम इतना अच्छा था, इतना मज़ा आ रहा था रिक्शा में. बारिश बारिश का मौसम था, क्लाउडी भी था और रास्ता कितना साफ साफ लग रहा है. अभी हम सोच रहे हैं GoPro में भी कुछ वीडियोज़ करें क्योंकि GoPro की क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो इसलिए मेमोरी कार्ड की कमी थी तो वो ले ली. और ये रास्ते में हमने देखा तार बना रहे थे, ठीक कर रहे थे और इतना डर लग रहा था देख के. अभी इमोन का सामान जो वो खरीद लिया है, अभी मेरी बारी है. और मेरा जो सामान है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लेटेस्ट अपडेट ये है कि सादिया के साथ साथ मुझे भी फ्लू आ गया. बोल दिया, बता दिया. दे देते सादिया इतना बीमार है, देखो अभी इस टाइम जैसे बीमारी में भी सादिया गिफ्ट लेने के लिए सही आ गए. हाँ तुमने फिर बोल दो कि नहीं मिलेगा फिर आज ही दे दो. हम पहुँच गए इधर, ये है हमारा जगह. तो अभी हम आ गए हैं मेरा गिफ्ट खरीदने के लिए. और मैं भी कुछ फालतू की चीज़ नहीं ले रही, काम की चीज़ ही ले रही हूँ. मेरे मतलब ख्वाब था ये लेना एपिलेटर. तो फाइनली आज तो हमने तो पार्टी कर ली, सामान ले लिए, लेकिन घर वालों को भी तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा ना. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज उनको सबको बर्गर खिलाओ और वो भी सामान खरीद के घर जाके बना बना के, क्योंकि बाहर से हमारे यहाँ पे कोई नहीं खाता आजकल. तो बस घर का बना हुआ है, घर का बना हुआ लेकिन सामान बाहर का ही. बाहर का ही हुआ है, मैं पकाया तो घर का होगा ना. फ्राई भी करो तो घर का हो जाता है वो. ये दोनों लोग हैं? हाँ ये दो ले रही हूँ. ठीक है ना, ठीक है. आठ ले लूँ? आठ लोग. ठीक है, आठ ठीक है. सर ये वाला बड़ा बर्गर रेट है, ये लोग कि छोटा वाला लोग? छोटा वाला ही ठीक होगा. छोटा वाला सही है, ले लो. और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए? टोमेटो चाहिए. हम लोग का शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो गया और इतना बारिश भी शुरू हो गया, सीट वीट गीला हो गया रिक्शा का, जो जल्दी से घर जाना है, जाके खाना पीना भी होगा. पूरा अंधेरा हो गया, इतना भी अंधेरा होना नहीं चाहिए, बारिश भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा. जल्दी से घर जाए, हवा भी निकल गया. बांग्लादेश के वेदर का ये चीज़ पता ही नहीं चलते कि जब निकल रहे थे तब इतना धूप था, अभी बारिश शुरू हो गया. सो गए सादिया को गिफ्ट मिल गया ना, अभी वो किसी नहीं जा रहे, अभी उधर जगह पैक कान पैक करने के चक्कर में है. यूज करेंगे ना आज. हम लोग घर आ चुके हैं और जिस इम्पोर्टेंट रीजन से निकला था, मुझे कफ सिरप खरीदना था क्योंकि मेरे इधर सोर थ्रोट फील हो रहा है, सादिया को भी सोर थ्रोट फील हो रहा है. लेकिन सब कुछ लिया, बर्गर लिया, सादिया का गिफ्ट खरीदा, मेरा चीज़ खरीदा, लेकिन मेडिसिन नहीं लिया. अभी क्या करें? ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे. चलो अभी आर्यन को देख लिया, उठा हुआ है, बैठा है. आर्यन से बाद में मिलाती हूँ, सबसे पहले हम लोग बर्गर्स बना लेते हैं. तो ये रही रोटियाँ, रोटियाँ इसकी कटी हुई होती है. अभी इसका क्या करना है, इसकी पेटी जो है वो फ्राई करनी है.
फाइनली हमारे बर्गर्स रेडी हो गए, ये है बीफ बर्गर्स, ये है चिकन बर्गर। चलो करते हैं बर्गर पार्टी, जल्दी जल्दी से बना लिया, अभी जाके उधर टेस्ट करती हूँ या इधर टेस्ट करके जाऊँ, ठीक है। मेरा ये है मेरा बर्गर, तो टेस्ट करके जाते हैं। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। इसमें चेडर चीज स्लाइस होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसे भी अच्छा है। हमारा बर्गर वर्गर खाना पीना खत्म, अभी सादिया ने चाय बनाया है, स्पेशली हम चाय पी रहे हैं, स्पेशल चाय सादिया का। और सबसे अच्छा चीज़ ये बताया कि सादिया आज हम जवान देखेंगे, जवान मूवी शाहरुख खान की आ गई रेडी, कहीं मुझे मिल गया इंटरनेट में, इंटरनेट से चोरी चपाटी करके निकाला है, देखते पहले देखे कैसा है, फिर HD में देखेंगे बाद में ब्लू रे, ऐसे बांग्लादेश में रिलीज होगा ये। चलो बांग्लादेश में रिलीज होगा तो सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे। नहीं नहीं, उस टाइम पहले तो देखो असल में सिनेमा हॉल में जाके देखने के लायक है कि नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। पी 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 मामा और आर्यन का कनेक्शन है। पी 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 फ्रेंड्स, मैंने ये फिलिप्स का एपिलेटर लिया है और ये काफ़ी टाइम से सोच रही थी लू लू लू। असल में क्या था कि हर बार मैं पार्लर जाती हूँ, वैक्स कराती हूँ, एक तो आप जब पार्लर जाते हो ना तो हर बार पाकिस्तानी अराउंड 5000 मुझे लगता है टांगे और हाथ कराने में, तो वो कराओ तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे आर्यन को छोड़ के इतने टाइम तक पार्लर जाना पड़ता है, नंबर लो, बैठो, वेट करो, तो इससे अच्छा है मैंने सोचा हर बार पार्लर जाओ मेरा टाइम ज़ाया होता है, तो मैं क्यों ना ये वाली चीज़ ट्राई करूँ। काफ़ी लड़कियाँ होंगी जो ये चीज़ ट्राई करती है, लेकिन मैंने सुना है ये बहुत पेनफुल होता है, लेकिन कर करके इंसान यूज्ड हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। ये मेरी सिस्टर ने भी लिया था, उसने बोला था फिलिप्स का अच्छा है, तो उसे मैंने फिलिप्स की ब्रांड ली है, तो चलो इसको ना आज ट्राई कर ही लेते। तो अब्बा ने जो गिफ्ट दिया था ना, उससे इमोन ने मुझे जो बोला क्या लोगे क्या लोगे, तो मैंने बोला मुझे एपिलेटर चाहिए, तो ये मैंने इसलिए ख़रीद लिया कि एज ए गिफ्ट। तो चलो आज हम ना यूज़ करके ही देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा था क्या 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 लिखा हुआ है, तो इधर ये कुछ लिखा हुआ है मसाजर, पता नहीं क्या है, आई थिंक ये ऐसे ऐसे गोल घूमेगा ऐसे ऐसे, जब आप इसको लगाओगे ना उस एपिलेटर में तो कुछ मसाज भी कर सकते हो ऐसा। तो आप देख सकते हो काफ़ी बाल आ गए, पार्लर जाने का टाइम था मेरा, लेकिन मैंने ये चीज़ खरीद ली है। तो ये रहा एपिलेटर, ऐसा है कुछ दिखने में, एक फिलिप्स की ब्रांड थी और एक ब्रांड थी जर्मनी की कोई, तो जर्मनी की ब्रांड मैंने कभी नाम नहीं सुना उसका, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं, तो कुछ ऐसा है। और मैंने सुना है कि एक बैटरी वाला होता है और एक ना ऐसे करंट के साथ होता है, तो जो करंट वाला होता है ना वो ज़्यादा फास्ट चलता है एज़ कम्पेयर टू बैटरी वाला, बैटरी वाला स्लो होता रहता है, तो इसलिए मैंने यही लिया, चूज़ किया। और उसके साथ क्या क्या हमें मिला हुआ है, एक ब्रश मिला हुआ है साफ़ करने का ये वाला, और एक ना ये वाला मिला हुआ है, ये कैसे होता है, कैसे खुलता है, और ऐसे तो एक इसके साथ ये है। तो मेन जो ये तो ऐसी क्लीन शेव जस्ट कर सकते हो आप पेनलेस ये वाली चीज़, लेकिन मेन जो है ना वो ये है, ऐसे 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 करके कैसे करेंगे बता नहीं। चलो मैं ट्राई करती हूँ सबसे पहले, अरे थ्री पिन वाला हाँ है हमारे पास, तो इसको ना सबसे पहले हम लोग चार्ज करेंगे थोड़ा सा और फिर ट्राई करेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड, लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा है और दर्दनाक होगा। वैक्स में तो एक बार में ही अच्छा खासा ट्रिक करके निकाल लेते, ये तो एक 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 बाल निकालेगा, तो पेनफुल हो ही सकता है। तो चलो ये तो चार्जेबल नहीं है, याद आ गया, ये डायरेक्ट तार में लगा के ही चला सकते हो, करंट में लगा के ऑन करते। ये क्या था इतना तेज, इधर एक लाइट है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कोई सौ मूवी होता है ना, इंसान चला जाता है मशीन के अंदर, 3-4 पीस हो जाता है, देख के डर लग रहा है। तो कैसे होगा ये, रख के देखो ना क्या होता है। तुम्हारे हाथ में आपने कभी यूज नहीं किया? मैंने कभी नहीं यूज किया ये चीज, करके देखो। मैं हमेशा वैक्सिंग किया, मैं फर्स्ट टाइम, हां मैं फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस एप्लीकेटर एंड आई एम सो नर्वस। करो रख के, हाथ पे रख के करो, लाइट खोलो। अच्छा दो स्पीड है, 1-2 स्पीड, हाई स्पीड ले, देखना चमड़ी ना निकल जाए। हां यार सौ भी याद आ गया। आओ आओ, लग रहा है इतना जोर से खींचता है, इतना जोर से खींचता है यार, वैक्स से भी ज्यादा दर्द, तो बाल में नहीं है फिर भी दर्द हुआ, वैक्सिंग से ज्यादा दर्द होता है। हाँ, इतने एरिया में दर्द हुआ, सोचो यहाँ 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 आऊंगी तो दर्द होता जाएगा, तो लेजर वाला ही अच्छा है। लेकिन इससे भी सोचा तो सुना है कि बाल बहुत लेट आते हैं। ये देखो कितना साफ हो
गया। अच्छा है। Oh my God, अच्छा मैं इसकी टेक्निक बताती हूँ। दर्द होता है, काफी दर्द होता है, लेकिन इसको ना ऐसे करना मत, स्लो स्लो नहीं करके थोड़ा थोड़ा फास्ट करने से ना मतलब कंट्रोल कर सकते हो दर्द, लेकिन होता है बहुत। तुम्हारा हाथ दो ना थोड़ा, ट्राई यार, थोड़ा हाथ यार, मैगी 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 की करो। तुम ऐसे ही हाथ दो, ऐसे ही हाथ दो। तो मेरे हस्बैंड है, मेरे इमोन, वो भी फर्स्ट टाइम, मुझे तो वो कर रहा है, लैब का रैट होता है ना, वो बना रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दर्द होगा ना, गिर ना जाओ, ये इमोन का हाथ है, ठीक है, संभल के यार। एप्लीकेटर है, आर यू रेडी? करो कर, कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसे ना हो और टेंशन में ऐसे करके मार दो गलती से। नहीं कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा करो तो इधर देखो, इधर करो तो, इधर करो देखो। मैगी तो चालू है, उसे पता ही चल गया कि इसके साथ छेड़खानी से दर्द होता है इसमें। मैगी को लगाएंगे ना पता चलेगा। नो मैगी, नो 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 नो, दर्द वाली चीज नहीं है, दर्द वाली चीज नहीं है, आओ। नहीं, छोड़ दो मतलब। फालतू में मैगी को गलती से लग जाएगा तो मैगी कभी निकल आएगा बाहर। फ्रेंड्स अच्छा है बहुत। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन मेरे ख्याल से, असल में मेरे ख्याल से ऐसा सोचता हूँ मैं कि बाल काटना इतना जरूरी है, लड़की लड़का जो भी हो, वैक्सिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन ना होता है ना, लड़कियाँ वैक्सिंग करते हैं, ये तो वो है ना, सबने बनाया है, ये तो होता है चॉइस। एक ऐसा लड़की बहुत होगा जो सोचते नहीं, नहीं करूं। हाँ, ऐसे हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई रखे या ना रखे। मुझे भी साफ रहना अच्छा लगता है इधर। नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते साफ रहना, इसका साफ किसी के हाथ में बाल नहीं मतलब वो साफ नहीं, नहीं, नहीं। तुम ऐसे उल्टा नहीं लो इस बात को, साफ या खराब नहीं बोल रही हूँ, साफ मतलब ये बाल नहीं हो इधर, वो डर्टी नहीं बोल रही हूँ, साफ मतलब क्लीन, मुझे ये बाल नहीं चाहिए। हर किसी की अपनी चॉइस होती है ना। पर्सनली तो उतारना चाहती हूँ, लेकिन जिसके हाथ में बाल है उसको भी कमेंट बजी ना करना चाहिए, अच्छा चीज होता है। तो लड़के रखते हैं ना, लड़के भी तो बाल रखते हैं, तो लड़कियां भी रखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है, इंसानों को लोग लड़कियों को बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे मुझे भी कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज को माइंड नहीं करती। कुछ लोग बोलते हैं आपके हाथ में बहुत बाल है, आप लोग हटा दो ये वो, तो मैं उस चीज को माइंड नहीं करती। ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ बालों को, लेकिन मुझे ऐसे मतलब वो नहीं है कि किसी ने क्यों बोला, मर्जी है किसी की, इंडिविजुअल। वैसे के साथ ही फ्रेंड्स आज का व्लॉग जो वो भी एंड करते हैं। मेरे घर बात करूंगी मैं थोड़ी देर के बाद, अम्मी वाले शायद नानी के घर गए हुए, तो इसलिए अम्मी वालों को रात को लेट फ़ोन करूंगी। घर भी कभी बात हो पाती है, एक दिन नहीं हो पाती, क्योंकि हम भी सारा दिन बिजी होते हैं, अम्मी वाले भी पाकिस्तान में सारा दिन बिजी होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। इमन ने कोई गिफ्ट नहीं लिया, बाकी पैसों से नहीं लिया है, मैंने बस मेमोरी कार्ड कर लिया, मेमोरी कार्ड लिया है, बाकी मैं दांत ठीक कराऊंगा ना। इन पैसों से दांत ठीक कराओगे? मेरे दांत, मुंजी दांत, तुम्हारे लिए नया दांत गिफ्ट। चलो ठीक है, इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। No, 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하게 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행